यहाँ ऐसे वक्त बिताने में कितना मजा आ रहा है, काश ये पल कभी खत्म ना हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। क्या मतलब है? मैं ये सोच रहा था कि मेरे लिए यही सही होगा कि मैं अपने अंकल के यहाँ चला जाऊं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसा कितने दिन तक चलता रहेगा मिकेला? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं करना क्या चाहता हूँ। पर कहीं पर तो जाना ही होगा ना। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता। वो ये जगह भी हो सकती है या कोई दूसरी जगह जहाँ हम जूलियन से मिल सकें। नहीं नहीं, सब ठीक है। मेरे लिए ये सब मुश्किल है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ना उम्मीदी में नहीं रह सकता। मैं जानता हूं तुम जूलियन को चाहती हो, उसके साथ रहने के सपने देखती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है ना, और ना ही तुम मुझे मौका देना चाहती हो। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी यही अदा अच्छी लगती है। कभी तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिकेला। जानती हो मैं मरा क्यों नहीं? क्योंकि मेरी किस्मत में तुमसे दूर रहने का दर्द झेलना लिखा था। तुम्हारी बातों से बहुत दिल दुखता है मिकेला। मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रही हो? अच्छा यही होगा कि मैं अपने अंकल के साथ रहने चला जाऊं। जरा मुझे मेरा फोन देना। तुम्हें रुकना चाहिए कभी तो। किसके लिए रुकूं? ताकि जिंदगी भर मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बना रहूं? मुझे भी तकलीफ होती है मिकेला। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनके नहीं रहूंगा। तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसी बातें करूं? यहां रुकने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। पर हम तो दोस्त हैं ना कबे तो, और हम हमेशा मिलते रहेंगे है ना। तुम क्या मेरा मोबाइल मुझे दोगी? तुम इससे जूलियन से बात कर सकती हो। वो मुझे कभी कॉल नहीं करेगा। उसने कॉल किया था, पर उसे एस्पेरांजा से बात करनी थी। सच कह रहे हो? कॉलोनेल, हम दुराते से एक कदम दूर हैं। जैसा आप कहें कॉलोनेल। क्या बात है ऑफिसर? कॉलोनेल ने मुझे अभी फोन करके दुराते की नाकामयाब रेड की स्टेटमेंट लेकर यहां से सीधे बगोटा जाने के लिए कहा है। पर क्यों? लगता है उसकी दी हुई धमकी अब किसी काम की नहीं रह गई है। उस घटिया आदमी के पास कर्नल मॉन्टेस से बात करने के लिए अच्छी सिफारिश होगी ना? और आपके जाने के बाद जूलियन का क्या होगा? तुम सब चीजों पे नजर रखो टॉरेस। मुझे काम से निकालेंगे तो तुम्हें खबर करूंगा। पर ये सरासर नाइंसाफी है। हम बस उसे पकड़ने ही वाले थे ऑफिसर। तो चलो निकलते हैं। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। हम शाम को यहाँ से निकलेंगे मारियाना, क्योंकि अभी निकलना खतरनाक होगा और मुझे अपने केस के इंचार्ज को कांटेक्ट करना होगा। मोरालेस, तुम जानती हो? हाँ, उसे हमेशा से रिकार्डो पर शक था। लेकिन बिना सबूत मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी मारियाना। जूलियन,
जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, पर अब मैं तुम्हारी हर हालत में मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करो, जानती हो मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, पर मुझे ये मोबाइल रिकॉर्डों के ऑफिस में मिला था, हो सकता है इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सके। मैंने ये पहली बार देखा है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? तुम ही इसे रखो। नहीं मारियाना, तुम सहमल के साथ और पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मेरी बात समझो। तुम एक काम करो, अपनी आंटी के पास चली जाओ। क्या रिकॉर्ड उनके बारे में जानता है? कोई नहीं जानता। ये अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके, मैं पुलिस को इस कार को ढूंढने का रास्ता दिखाता हूँ। क्या तुम्हारे अलावा और कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता? नहीं। तुमने यहाँ कुछ देखा था क्या? मुझे ऊपर एक कार जाती हुई दिखाई दी। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? वो ऊपर गांव तक, लेकिन वहाँ पे ज्यादा खेत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, चलो गाड़ी में बैठो। यस सर। चालीस महिला कैदियों को मेयर ने आजाद करने का फैसला सुना दिया है। इन महिलाओं ने अपनी 3/4 सजा पूरी कर ली है। जेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इस जेल में देश की सबसे ज्यादा महिला कैदी हैं। आइए चलते हैं हम दूसरी खबरों की तरफ। सरकार का फैसला आया है कि वो अंतरजातीय विवाह के संबंध में एक नया बिल पारित करने वाली है। उस बिल के तहत सरकार ने ये फैसला सुनाया है कि जितने भी बच्चे 18 साल से कम उम्र हैं उनको। हेलो मैरीबेल, दोस्त क्या तुम ब्लेस्ड प्रिजन में थी? है ना, सही कहा ना? बिल्कुल दोस्त, ब्लेस्ड रिजॉर्ट में मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। मैं भी, पर पता है इस बात से नाराज कौन है? फरीचा, क्योंकि मैं आजाद हो गई पर वो नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम और तुम्हारी बेटी कैसी है, सब कैसे चल रहा है? वो जुलियन के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, टूट गया है रिश्ता। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। और क्या तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधरे? वो शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, पर अब हालात उतने बुरे नहीं हैं। नई शुरुआत करनी पड़ी और समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बिजनेस करूं, ब्यूटी पार्लर खोलूं, खाना बेचूं, कोई भी काम करूं, पर बेटी का साथ नहीं छोड़ना चाहती, उसके साथ रहना चाहती हूं मैं। मैं तुम्हारे लिए लकी हूं, मेरे कजिन का नाम है एनिमल, जो टैबियो में रहता है वो मुझे नौकरी देगा। अब जल्दी से पता लिख लो, फिर हम वहीं मिलेंगे, समझ गए? ठीक है, वहीं मिलते हैं। बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, अब हमारे पास भी अपना रहने का एक ठिकाना होगा। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे खुशी है कि आपको रहने की जगह मिल गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना चले जाएंगे? नहीं, भूल जाओ, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे, समझे? एक बात कहूं एस्परेंजा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने अंकल के पास चले जाना चाहिए, सबके लिए वही ठीक होगा। जूलियन से मैंने वादा किया था कि आप लोगों का ध्यान रखूंगा। तो ये बात है, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूं। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ होंगे, ठीक है? अब तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। हाँ, वैसे मेरे बिना तुम ज्यादा सुखी रहोगे। गुड बाय।
गुड बाय। लॉरेना तुम बताते क्यों नहीं तुम कहाँ हो? अलिसिया क्योंकि ऐसा करना खतरनाक होगा, जितना कम जानो उतना अच्छा है। पर खतरनाक क्यों होगा, तुम करने क्या वाली हो? देखो इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, इतनी जानकारी तुम्हारे लिए बहुत हो गई। मुझे डर है कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। देखो अलिसिया मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, मेरा यकीन करो। मेरा बैकअप तुम्हारे पास है ना? हाँ है मेरे पास। तो फिर मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ ठीक वैसा ही करना, ठीक है? समझ गई ना? Yes. ऑफिसर मोरालेस, मैं एलिशिया पिनेडा लोरेना की बहन बोल रही हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन को पुलिस ढूंढ रही है हाइड्रोस्फीयर गबन के सिलसिले में? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके काफी काम आ सकता है। वो क्या है? एक ऐसी फाइल जो सबूत है ओस्वाल्डो रेमिरेस की सच्चाई का। उसने हाइड्रोस्फीयर का गबन नहीं किया बल्कि रिकार्डो प्रेडिला ने किया था। तो फिर ठीक है, क्या हम लोग मिल सकते हैं? रॉयल कैफे में नेशनल पार्क के पास, एक घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी, आप वहां आ जाइए। मैंने ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से एक ब्राउन श्रक पहना हुआ है। ठीक है वहीं मिलते हैं। हाँ सर बोलिए। टॉरेस कैसा चल रहा है वहां? एक बात तो क्लियर हो गई है कि जूलियन इसी विलेज में है, हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। बढ़िया, मुझे खबर करते रहना। लोरेना पिनेडा की बहन एलिसिया ने मुझे अभी भी कॉल किया था, पता चला है कि प्रेडिला के खिलाफ उसके पास कोई सबूत है। ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है, अगर ये सबूत हमारे काम का हुआ तो कर्नल आपको केस से नहीं निकाल पाएंगे। हाँ और अगर तुमने दुराते को पकड़ लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन याद रखना हमें उसे जिंदा पकड़ना है। देखो ऐसा हो सकता है कि उसके जरिए हम कैसे भी करके प्रेडिला को पकड़ पाए। मुझे लगता है ये वही जगह है जिसके बारे में उस आदमी ने बताया था। उसकी कार भी वहां है। हम लोग ध्यान से अंदर जाएंगे क्योंकि एक बच्चा और उसकी मां दोनों जूलियन के साथ है। कोई गलती मत करना। जूलियन, ये तो पुलिस वाला है। समझ, मेरी बात सुना, मुझे तुरंत छुपना होगा, ओके? इनके जाने के बाद मैं वापस आऊंगा, ठीक है? और तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना मैं इसे मेडिलिन ले जाऊंगी। सैमी मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कुछ भी करके पुलिस का ध्यान बचाना है, ठीक है? तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करना, चलो। ओवर ओवर, हम वहां पर पहुंच गए, मरियाना हमारे सामने है, ओवर एंड आउट। मिसेस मरियाना ठीक है? जरा देखो अंदर कौन कौन है। ओके सर। यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। कल रात को जूलियन ने हमें रिकार्डो के घर से निकाला, हमें यहाँ रखा और फिर वो चला गया। पर मिसेस मरियाना जब आपके पास कार की चाबियां थी तो आप भागी क्यों नहीं? मेरे पास चाबी नहीं थी और उसने कहा कि उसे बस आखिरी बार सैमी को देखना है, फिर वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। मिसेस मरियाना आप क्या कह रही है, ये सच है क्या? जब जूलियन ने मुझे रिकार्डो के घर से निकाला तो मैं बहुत बीमार थी और अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। इधर आओ, इनकी मदद करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। संभाल के ले जाना। मॉम, आराम से अंदर लाइए। मॉम, जल्दी कीजिए वरना मेरी मॉम मर जाएगी, जल्दी कीजिए मॉम। मेरी बात सुनो, प्लान में चेंज है, मुझे हर बात की खबर देते रहना रेडियो पर, ठीक है? जैसा आप कहें सर। मॉम,
पर क्या एक अजनबी हमारी मदद करेगा? वो कोई अजनबी नहीं है, मेरी एक अच्छी दोस्त का कजिन है, वो मेरी बहन जैसी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। उस पर भरोसा करने के सिवाय कोई चारा है क्या? ठीक है मॉम। अगर जबरदस्ती कहना पड़ रहा है तो मुझे मॉम मत बुलाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर इस रिश्ते से इनकार मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, इतने दिन तुमसे दूर रही। अगर जूलियन यहाँ पर होता तो तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाता ना? नहीं, तुम्हें हालात का सामना करना सीखना होगा, और हमारी सच्चाई उससे अलग है और हमें ये समझना होगा, यही हमारी सच्चाई है। वैसे तुम ठीक तो हो ना? बोलो। एलिसिया? ऑफिसर मोरालेस, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए है, मेरी बहन ने दिया। उसने मुझे ये काम सौंपा था ताकि वो खतरे से बाहर रहे। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बहन पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकती। बताओ इस वक्त कहाँ है वो? एलिसिया, तुम्हें उसकी सच्चाई छुपाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बताओ कहाँ है वो? वो बहुत दूर है ऑफिसर, ना मुझे पता है और ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं बस वो कर रही हूँ जिसका मैंने उसे वादा किया था। अच्छा, इस पेन ड्राइव में क्या है? रिकार्डो ब्रैडिला का सप्लायर्स को हाइड्रोस्फीयर में साइन करके एंट्री देने का सबूत है इस पेन ड्राइव में। तुम्हें पता है इसकी वजह से बहुत से लोग बिना कोई गलती किए हुए सजा काट रहे हैं। ऑफिसर, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों दोबारा कभी ना मिलें, क्योंकि मैं कानूनी दाव पेच में नहीं फंसना चाहती हूँ। मेरी बहन ने जो भी किया वो उसका मामला था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो एलिसिया, मेरी एक मदद करो, उसे समझाओ, उससे बात करो। वो अभी भी पुलिस का साथ देकर खुद को बचा सकती है, समझी? ठीक है, मेरी बात पे यकीन करो। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। एलिसिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, पैसे यहाँ रख दिए।